साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता चेन्नई पुलिस के सहयोग से मिली है। संयुक्त अभियान में की गई छापेमारी में करमाताड़ थाना क्षेत्र के तारा बहाल गांव से दो साइबर अपराधी निजामुद्दीन अंसारी और नजरुल अंसारी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी में समय ग्रुप में बैठकर चार साइबर अपराधी फिशिंग की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की दबिश पड़ते ही दो साइबर अपराधी सारठ निवासी हैदर अंसारी और तारा बहाल निवासी साकिब अंसारी भागने में सफल रहे। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास 7 एंड्रॉइड फोन, 11 सिम कार्ड तथा एप्पल का एक आईपैड बरामद किया है। चेन्नई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार साइबर अपराधियों के गिरोह ने 74 वर्षीय शिक्षा विभाग की अवकाश प्राप्त महिला पदाधिकारी के खाते से फ्रॉड किया था। इस संदर्भ में पीड़िता ने तमिलनाडु के सलेम थाना में मामला दर्ज करवाया है। सलेम थाना में अपराधियों के विरुद्ध कांड संख्या 3/21 दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार महिला के खाते से 10,43,300 की निकासी साइबर फ्रॉड के माध्यम से की गई है। मामले की तफ्तीश में 4 सदस्य चेन्नई पुलिस की टीम को 2 दिनों से जामताड़ा में कैंप कर रही है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।